किसान का अर्थ है कृषक जो एग्रीकल्चर करते हैं, चसोर का अर्थ हुआ चासी, वो किसान से नीचे। उसी तरह से हम लोग बंगाल के बॉर्डर में हैं, एक राजवंशी जाति है। धन्यवाद सभापति महोदय। अनुसूचित जाति जनजाति विधेयक जो माननीय मंत्री द्वारा लाया गया है, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन यहाँ हम बिहार राज्य के कुछ जाति जो विसंगति के कारण पूर्व से छूटा हुआ है, माननीय मंत्री जी से उसके लिए हम मांग करना चाहते हैं। और उसमें से कुछ के लिए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो आदरणीय नीतीश कुमार जी है, बिहार सरकार ने भारत सरकार को इन जातियों को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार के पास भी भेजा है। पहला, लोहार और लोहारा। जब जाति आधारित जो गणना हो रहा था और उसका जातियों का विभाजन, उस समय अंग्रेज सरकार के द्वारा इसका किया गया तो अंग्रेजी में राइट अप किया गया लोहारा, उसमें आर के बाद ए पड़ता है। तो जिन लोहार लोहारा जिनके इसमें हिंदी में लिखा गया वो तो अनुसूचित जनजाति में है, लेकिन जो लोहार में है वो पिछड़ा वर्ग में आ गया। तो एक ही परिवार, एक ही जाति, एक ही संस्कार, एक ही भाव, लेकिन एक जो लोहारा है तो वो आरक्षण अनुसूचित जनजाति का लाभ ले रहा है, लेकिन लोहार को किसी तरह का लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री और सरकार से कहना चाहूँगा कि इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसी तरह से बिहार पश्चिम बंगाल से सटा हुआ राज्य, किसान और चसोर, जो बंगाली है वो समझते होंगे, किसान का अर्थ है कृषक जो एग्रीकल्चर करते हैं, चसोर का अर्थ हुआ चासी, वो किसान से नीचे जो जोत आबाद करते हैं। बिहार में किसान को, जो किसान जाति है उसको अनुसूचित जनजाति में आप लिए हैं, लेकिन चसोर जो चासी है जो बंगाल से आके बिहार में बसा है उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि इसको भी आने वाला दिन में जोड़ना चाहिए। उसी तरह से हम लोग बंगाल के बॉर्डर में हैं, एक राजवंशी जाति है जिसको बंगाल में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है, लेकिन इस राजवंशियों को जो बॉर्डर में बंगाल बिहार से रिश्ता नाता रोटी बेटी का संबंध है, लेकिन बिहार में उसको अनुसूचित जनजाति का कोई लाभ नहीं है। तो हम इसका केंद्र सरकार से मांग करते हैं। और एक जो राज्य सरकार ने भेजा भी था, इसके लिए पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, ये जो मल्हा जाति है जिसको हम लोग मछुआरा कहते हैं, बार बार हम लोगों ने इसके लिए राज्य सरकार ने भी केंद्र सरकार से अधियोचना भेजा है कि ये मल्हा मछुआरा जाति को भी इसमें शामिल करना चाहिए। हम देखें, हम 2019 में सांसद बनने के बाद केंद्र सरकार की जो नीति है, देश के विभिन्न प्रांतों में जो अनुसूचित जनजाति के छूटे हुए उपजातियां हैं, आप उनको संकलित करके और उसकी विसंगतियों को दूर कर रहे हैं। तो मेरा सभापति महोदय आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग है कि बिहार में जो भी विसंगतियाँ जो उपजातियों के साथ है, कृपा करके बिहार पर ध्यान देके इसको भी दूर करने का काम करेंगे, तो बिहार में ऐसे अनुसूचित जनजाति को लाभ मिलेगा। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री के नवासकनी।